हिंदी साहित्य और शोध से जुड़े तमाम शोधार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हिंदी साहित्य और शोध के क्षेत्र में जो नवीन हलचलें हो रही हैं उस पर विचार करना मेरा मकसद है। एक रिसर्च गाइड होने के नाते अक्सर छात्र पूछा करते हैं कि मैम कोई ऐसा टॉपिक सजेस्ट कीजिए ताकि हम उसे पीएचडी के टाइटल के रूप में दे दें। मैंने करीब 20 साल पहले पीएचडी किया था और उस समय इंटरनेट यूट्यूब वगैरह उपलब्ध नहीं था और ज्ञान बटोरने का एकमात्र साधन पुस्तकें ही थी। लेकिन 5 साल पहले जब मैंने पोस्ट डॉक्टरेट किया यूजीसी के रिसर्च अवार्ड के तहत, तब मुझे घर बैठे बैठे ही तमाम जानकारी इंटरनेट और यूट्यूब के द्वारा प्राप्त हुई। तब हमने सोचा छात्रों का ज्ञान तो सीमित होता है, तो एक रिसर्च गाइड होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि साहित्य जगत में जो नवीन हलचलें हो रही हैं, जो नवीन सिद्धांत पैदा हो रहे हैं, नवीन विमर्श पैदा हो रहे हैं, उनके बारे में शोधार्थियों को जानकारी देना हमारा कर्तव्य बनता है। तो इसी मकसद को नज़र रखते हुए हमने यह वीडियो अपलोड किया है। ये सिलसिला जारी रहेगा जिसमें हम आगे हर एक नए सिद्धांतों पर विचार करेंगे और उसे कैसे शोध के क्षेत्र में लाया जाएगा, कैसे उसे लाभप्रद रूप से उसका उपयोग किया जा सकेगा, इस पर आने वाले वीडियो में हम कहेंगे। ये उन शोधार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा जो जिन्होंने पीएचडी के लिए एनरोल किया है, या फिर जो अभी एमफिल कर रहे हैं, या फिर उनके लिए जो माइनर और मेजर कोई रिसर्च प्रोजेक्ट टाइटल के खोज में हैं। अगर हमारे वीडियो से आपके शोध में के लिए कुछ लाभदायक सिद्ध हुआ तो हम अपने आप को धन्य समझेंगे। देखिए, किसी भी शोध अथवा रिसर्च में सबसे अहम बात तो है विषय का चुनाव। ये विषय आपकी रुचि के अनुसार होना चाहिए। ये विषय आपके रिसर्च गाइड की रुचि के अनुसार नहीं, न ही किसी और की रुचि के अनुसार। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपकी रुचि क्या है। देखिए, आप किसी भी विषय पर शोध कर सकते हैं। साहित्य का क्षेत्र आज बहुत फैल चुका है। पहले उच्च कला और निम्न कला, हाई आर्ट और लो आर्ट जैसे बातें होती थी। साहित्य उच्च कला की कोटि में आता था और फिल्म, मैगजीन्स, कार्टून, एडवर्टाइजमेंट वगैरह निम्न कला के अंतर्गत, लो आर्ट समझा जाता था, निचले दर्जे का समझा जाता था। लेकिन आज साहित्य के अंदर इन सभी को समेटा जाता है, तभी साहित्य के अंतर्गत कल्चर स्टडीज़ कहा जाता है। तो अगर आप फिल्म के बारे में रिसर्च करना चाहेंगे वो कर सकते हैं, मीडिया के बारे में कर सकते हैं, LGBT क्योर थ्योरी पर कर सकते हैं। अगर आप एनवायरमेंटलिस्ट हैं, आपको पर्यावरण से ज़्यादा लगाव है, एको क्रिटिसिज्म पर कर सकते हैं, या फिर जैसे चली आ रही ट्रेडिशनल, जैसे कोई लेखक के ऊपर किया, किसी लेखक की कई रचनाओं पर किया, या फिर दो लेखकों के कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। और जो नवीन विषय आज आ रहा है, जैसे इंटरनेट और यूट्यूब में जो हिंदी का उपयोग हो रहा है, उस पर केंद्रित आप शोध कर सकते हैं। तो साहित्य और भाषा का क्षेत्र आज इतना फैल गया है कि आपको विषय की कोई कमी नहीं है। बस जानना ये है कि आपकी इच्छा और रुचि किस पर है। अगर आपने विषय उचित रूप से नहीं चुना तो आने वाले 2 या 3 साल आपके लिए बहुत ही कीमती सिद्ध होगा। इसलिए शोध के लिए सबसे ज़रूरी है विषय का चुनाव, और इस विषय का चुनाव के लिए हम आपकी सहायता करेंगे। अब शोध के बारे में आपकी जो रुचि है वो तो आपने पहचान ली। अब केवल रुचि पहचानना काफ़ी नहीं है, उससे संबंधित सामग्री उपलब्ध है या नहीं इसके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपकी रुचि कुछ और है और उससे संबंधित पुस्तकें मिलना ही मुश्किल है। अब रुचि पहचानने के बाद बारी आती है टाइटल की। रिसर्च टॉपिक का टाइटल एकदम आई कैचिंग होना चाहिए। सुनते ही लोगों को लगना चाहिए कि वाओ,
आप इस विषय पर शोध कर रही हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे अंदर भी एक पॉजिटिव एनर्जी आता है और शोध करने की हमारी जो जिज्ञासा है वो बढ़ जाती है। तो इसलिए विषय चुनने से पहले ज़रूरी है कि आप उस विषय से संबंधित सभी जानकारी, चाहे अपने अध्यापकों से, कोई और रिसर्च गाइड से, या फिर अपने रिसर्च गाइड से, या कोई भी शोध छात्र कहीं से भी, आप जितनी जानकारी हो सके उतना बटोर लीजिए। और इस जानकारी बटोरने में आपको अगर कुछ समय लगता भी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि सिनॉप्सिस सबमिट करने के एक हफ्ते पहले छात्र आते हैं भागते हुए कि मैम कोई टाइटल बता दीजिए। देखिए, इससे क्या होता है, बाद में आपके 2 या 3 साल जो आप रिसर्च के लिए लेंगे वो आपके लिए बहुत ही कीमती पड़ेगा। तो अपनी रुचि को पहचानने के बाद एक उचित टाइटल, एक आई कैचिंग टाइटल, ऐसा टाइटल जिसे सुनकर आपको भी और डॉक्टरल कमेटी के लोगों को भी लगे कि हाँ इसमें कोई दम है, एक ऐसा टाइटल चुनिए जो आपको रिसर्च अथवा शोध में लगे रहने के लिए प्रेरणादायक बनेगा। आपका विषय ऐसा होना चाहिए जो आपको, मतलब कि एकदम शोध करने लायक सटीक हो। कई बार ऐसा होता है कोई एक लेखक की सारी रचनाएं ले लेता है और बाद में 300 पृष्ठों में जो आप जो थीसिस प्रोड्यूस करेंगी वो केवल उस लेखक की रचनाओं का समरी मात्र हो जाता है। कथावस्तु कह दिया, उपसंहार भी कह दिया। देखिए, समरी देना रिसर्च थीसिस नहीं होता, आपको अपनी तरफ से कुछ जोड़ना है जो पहले ढूंढा गया है, उसमें आपकी अपनी काबिलियत के अनुसार आपको कुछ साबित करना है, कुछ और जोड़ना है। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने शोध को सीमित करें। आप चाहे एक लेखक की चुनी हुई रचनाओं को ले सकते हैं या फिर 2 या 3 लेखकों को ले सकते हैं, लेकिन लेते समय ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि ज़्यादा लंबा ना हो जाए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को पता ही नहीं होता कि अमुक लेखक की टोटल कितनी रचनाएं हैं। पहले टाइटल में तो दे दिया कि सारी रचनाएं, और बाद में बहुत मुश्किल पड़ जाता है। और उसके बाद एक बात ध्यान रखने की है कि देखिए, शोध करते वक्त उसके सिद्धांतों से जोड़कर ही लिखिए। लिखते समय, थीसिस को लिखते समय आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप जिस विषय पर, जिस लेखक की रचना पर कर रहे हैं, वो अगर कोई समकालीन विमर्श से जुड़ा कोई संबंधित रचना है तो उन सिद्धांतों का जिक्र करना ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आप LGBT अथवा किन्नर साहित्य पर करना चाहते हैं। बस अक्सर देखा जाता है कि किन्नर साहित्य से संबंधित कोई रचना ले लिया और उस पर करने लगे। आपको क्योर थियोरी जानना ज़रूरी है। क्योर थियोरी में LGBT की क्या इश्यूज़ हैं, क्योर थियोरी उसका जो अवधारणा है उसे अपने थीसिस में कहना ज़रूरी है। ठीक उसी प्रकार जैसे आपने वीरेंद्र जैन जी की डूब रचना को ले लिया और उसमें पर्यावरण विमर्श आता है, तो आपको एको क्रिटिसिज्म क्या है, डीप एकोलॉजी से शुरू होकर जो एको फेमिनिज्म तक एको क्रिटिसिज्म की जो थियोरी है उसे मेंशन करना ज़रूरी है। या फिर किसी छात्र ने दलित रचना को ले लिया, दलित साहित्यकार की रचना को, अगर आपने शरण कुमार लिम्बाले और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के दलित साहित्य के सौंदर्य शास्त्र नामक रचना को नहीं पढ़ा होगा और उसका जिक्र अगर आपने अपने थीसिस में नहीं किया तो आपका दलित साहित्य पर जो शोध है वो एकदम अधूरा माना जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि कथावस्तु कहना केवल रचना को जानना है, उसके परे जाने के लिए आपको उन सिद्धांतों की ओर नज़र दौड़ाना है। और इसके लिए सबसे अच्छा मार्ग है अच्छी आलोचनात्मक रचनाओं को ढूंढ निकालना, और आपके निकट के जितने भी पुस्तकालय हैं उसे पूरी तरह से छानबीन कर डालिए। आलोचनात्मक रचनाएं अगर ठीक आपके हाथ में लगी तो आपका थीसिस उतना ही सफल होगा। हिंदी साहित्य से जुड़े शोध के क्षेत्र में जो नवीन हलचलें हैं
उसके बारे में एक एक करके अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। ये सिलसिला जारी रहेगा। जो भी तमाम नए सिद्धांत हैं, जैसे विखंडनवाद, संरचनावाद, उत्तर संरचनावाद, उत्तर औपनिवेशिकतावाद, क्यों थियोरी, एलजीबीटी, ये सभी इश्यूज जो तमाम रिसर्च जुड़े हैं, या और फिल्म विमर्श है, मीडिया विमर्श है, नारी विमर्श, दलित विमर्श, इन सब को हम अपने अगले वीडियो में अपलोड करेंगे। अगर हमारे इन व्याख्यानमाला से आपके शोध के लिए कुछ लाभदायक सिद्ध हुआ तो हम अपने आप को आभारी समझेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए और अपनी जो कमेंट हैं वो ज़रूर भेजिए। धन्यवाद।